हेलो, नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अगेन आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, बेसिकली आज जो आर्टिकल है इनमें तीन आर्टिकल हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं। और सबसे पहले जो आर्टिकल हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इंडियन जो रुपी है उसकी वैल्यू अभी आपको पता है कि डॉलर के मुकाबले गिर रही है। मतलब अभी 1 डॉलर में 70 रुपये तक जो ड्राइव है वो पहुंच चुकी है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजन है। टर्की की जो इकोनॉमी है वो भी अभी एक तरीके से आपको बताऊं तो मतलब उसमें भी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आ रहे हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके कि भाई ऐसे कौन कौन से कारण हैं, इनका क्या क्या इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान की एक सिटी है जिसका नाम है गजनी। उस सिटी पे एक्चुअली तालिबान के जो इंसर्जेंट या बोल सकते हो कि लड़ाके हैं उन्होंने अटैक कर दिया है, तो उसको लेके आर्टिकल है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया का इस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर तालिबान का वहां पे रोल है वो आता है, तालिबान वहां पे किसी से अपना अधिकार जमा लेता है। तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर एक जो तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिलेशन को लेके, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि हम सब लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने एक इकोनॉमी के मतलब डेवलप करने के लिए आप बोल सकते हो कि इंडिया के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी अच्छे इंडिकेशन या संकेत हैं वो दिए हैं। तो मतलब राइटर कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि दोनों कंट्रीज को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए ताकि दोनों कंट्रीज को भी इससे बेनिफिट होगा और दोनों कंट्रियों एक साथ आगे आएंगी तो दोनों कंट्री की इकोनॉमी बहुत आगे जाएगी। तो उसके बारे में पॉइंट्स है, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, तीनों ही आर्टिकल में बहुत अच्छे आर्टिकल है यार। इन तीनों ही आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है हम देखते हैं कि भाई डॉलर और इंडियन रुपीज के बारे में। देखो अभी 1 डॉलर की जो वैल्यू है या रेट है वो पहुंच चुकी है 70 रुपीज तक। तो इसके हम पढ़ेंगे, इसके बारे में रीजन जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये हाल है वो अभी हुए हैं और इसके लिए कौन कौन से स्टेप वगैरह हमें उठाने हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की, कौन कौन से कारण हैं, तो उन कारण को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि इंडिया काफी ज्यादा चीजें वो इम्पोर्ट करता है। सबसे अहम बात क्या है, इंडिया इम्पोर्ट कौन सी चीजें करता है, वो करता है क्रूड ऑयल, क्योंकि आपको पता है कि क्रूड ऑयल है वो इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी है वो हो जाता है। तो एक तो रीजन है क्रूड ऑयल। इसके बाद में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आज के टाइम पे थोड़ा कम हो रहा है। और एक तीसरी बात यहाँ पे की जा रही है टर्की की इकोनॉमी, कि टर्की इकोनॉमी है वो अभी लेकडाउन है, टर्की की इकोनॉमी है वो एक तरीके से आपको बोल लूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हालात पे जूझ रही है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करने के लिए तीन रीजन है, इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले जो राइटर थोड़ा बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि टर्की की इकोनॉमी के बारे में कि देखो टर्की है वो एक्चुअली आपको पता है कि वहां पे अर्दगन की गवर्नमेंट है और टर्की की जो करेंसी है उसका नाम है लीरा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है क्योंकि ये भी देखो न्यूज में है। और ऑल ओवर राइटर का तो देखो बेसिकली यहाँ पे ही कहना है कि टर्की की अगर इकोनॉमिक क्रैश भी हो जाती है तो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का टर्की के साथ इतना ज्यादा भी ट्रेड नहीं है कि भाई इंडिया की इकोनॉमिक क्रैश हो जाए, तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसका इंडिया एक तरीके से मतलब वहन कर सकता है या इंडिया उसको मैनेज करके चल सकता है। देखो टर्की के जो भी प्रधानमंत्री हैं या सॉरी जो प्रेसिडेंट है एर्दगन साहब, वो एक तरीके से वहां पे डिक्टेटर का रोल है वो निभा रहे हैं। 2013 की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा था कि तख्ता पलट या कू के तरफ फोकस किया जा रहा था, मतलब वहां पे तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी कि एर्दगन की गवर्नमेंट को हटाया जाए और दूसरी गवर्नमेंट को लाया जाए। बट हुआ क्या, इस चीज का जो एर्दगन साहब थे वहां के उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, जो सारे पावर्स थी वो उन्होंने सेंट्रलाइज कर ली, मतलब सारी पावर उन्होंने गवर्नमेंट के हाथ में ले ली और एक तरीके से वो तानाशाह के तौर पर काम हो करने लगे। तो देखो इस चीज का इफेक्ट क्या पड़ा, इस चीज का इफेक्ट ये पड़ा कि जो टर्की का सेंट्रल बैंक था ना वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अब आपको पता है जैसे हम इंडिया के नजरिए से देखने की कोशिश थोड़ा करते हैं, इंडिया में देखो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई को एक लिमिट के बाद ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे कि आपको पता है कि इस लास्ट ईयर जब इलेक्शन थे 2014 की बात की जा रही है बेसिकली, उस टाइम पे क्या हुआ था, महंगाई बढ़ रही थी बट फिर भी आरबीआई ने क्या किया था, जो रेपो रेट वगैरह थी उनको एक्चुअली मतलब जैसा गवर्नमेंट चाह रही थी वैसा सेट नहीं किया था। तो इस चीज को लेकर काफी कॉन्ट्रावर्सी हुई थी, जो कुछ पार्टियां थी उनको नुकसान भी हुआ था। तो इंडिया में क्या सीन होता है कि थोड़ा बहुत ही जो पोलिटिकल पार्टियां या आप बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई में हस्तक्षेप कर सकती है रेट वगैरह को इधर उधर चेंज करने में, बाकी यहाँ पे आरबीआई वो स्वतंत्र रूप से काम करता है।
बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए में भी जो सेंट्रल बैंक है वहां का, वो एक तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करता है, वहां पे भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। बट टर्की में क्या हुआ, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है वही अपने हाथ में ले लिया, मतलब एर्दगन साहब ने वहां पे जो वहां का सेंट्रल बैंक है उसको अपने अंडर ले लिया, और वहां पे महंगाई बढ़ रही थी उसके बावजूद भी उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठे। फलस्वरूप हुआ क्या कि महंगाई है वहां पे 15% हुई, 20%, ऐसे महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, और मतलब हालात कुछ ऐसे हो गए कि जो टर्की का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब टर्की के पास फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेक्स जो है, वो धीरे-धीरे खत्म सा हो गया, और टर्की के पास कुछ बचा ही नहीं था। एक तरीके से हम बात करें तो टर्की के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हालात हैं हो चुके थे, जो कि एपी 1990 उनके टाइम में होता है कि इंडिया के साथ होने वाले थे हाल, वही हाल हो गए थे। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि टर्की है वो इंपोर्ट करने के लिए टर्की के पास पैसा नहीं था, और एक्सपोर्ट टर्की कुछ कर नहीं पा रहा था, तो टर्की को जो जरूरतमंद चीजें बाहर से खरीदने के लिए वो उनको खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी कंट्री बाहर से चीजें खरीदती है तो उनको उनकी करेंसी में चीजें, उनकी करेंसी में सॉरी पेमेंट है वो करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लो कि इंडिया को मान लो कि ईरान से ऑयल खरीदना है, तो इंडिया को ईरान की करेंसी में तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। अब इंडिया के पास अगर ईरान की कोई करेंसी नहीं है या डॉलर भी नहीं है तो इंडिया कहां से पेमेंट करेगा। डॉलर तो चलो यूएस ईरान फिर भी ले लेता, तो इसलिए हालत और ज्यादा भी खराब है वो हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि टर्की की भी हालत एकदम खत्म हो चुकी है। कुछ इकोनॉमिस्ट का तो यहां तक भी कहना है कि बहुत जल्दी ही टर्की की इकोनॉमी वो क्रैश होने वाली है, और वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है, क्योंकि टर्की के अंदर जो अर्दगन है वो एक तरीके से तानाशाह का रोल निभा रहे हैं। अभी आपको पता कि जहां पे तानाशाही होगी वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तो एक ये भी रीजन यहां पे आ जाता है। फिर बात की गई कि यूएसए और टर्की का रिलेशन भी कब एक आग में घी डालने का काम वो कर रहा है, क्योंकि देखो पहले किसी टाइम पे तो यूएसए और टर्की के रिलेशन ठीक थे, बट अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक यूएसए के नागरिक थे जिनका नाम था एंड्रयू, उनको एक्चुअली टर्की में गिरफ्तार कर लिया गया था बिना किसी रीजन की वजह से, मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं था। उसके फलस्वरूप माहौल और ज्यादा बिगड़ गया, और ट्रंप ने कहा भी था कि हम आपके ऊपर जो सैंक्शन वगैरह है वो लगा देंगे, तो ये सारा माहौल बिगड़ा, और अभी उसकी वजह से भी इफेक्ट वो और ज्यादा आ रहा है, और टर्की की हालत एकदम एकदम खराब है वो हो गई है। तो ये कुछ रीजन यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से रीजन है उनकी वजह से टर्की की इकोनॉमी है वो क्रेज के कगार पे पहुंच गई है। अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले तो हम ये देखते हैं ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, और टर्की के नजरिए से देखते हैं कि क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। तो देखो राइटर का कहना है कि कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखो टर्की का जो ट्रेड है ना वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी ज्यादा नहीं है, और ऑलरेडी जो यूरोपियन यूनियन ट्रेड करती है टर्की के साथ वो भी एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए यूरोपियन यूनियन पे वो वहां पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो टर्की को चीजें एक्सपोर्ट ज्यादा करती हैं, तो इस कंडीशन में उन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे जो भी माहौल है वो चल रहा हो। इसके साथ ही बात की जा रही है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमी है ना उन पे जरूर थोड़ा बहुत इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमी की बात आप जैसे समझो कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन पे थोड़ा इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि उनकी हालात है वो थोड़ी बहुत उनकी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं टर्की से इफेक्ट है, प्रभावित है, वो होने वाली है। तो ये थोड़ा यहाँ पे पॉइंट से सामने आया है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो जो इंडिया के नजरिए से जिसपे यूपीएससी पूछ सकती है। तो देखो बात यह है कि इंडियन रुपीज है उसकी वैल्यू भी अब खैर कम तो हुई है नो डाउट, बट इतनी भी कम नहीं हुई है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। पहले इंडियन रुपीज का हालात ये था कि एक डॉलर के अंदर इंडियन रुपीज आ रही थी वो आती 67-68 के आसपास, और अभी मैक्सिमम हो गया 70। तो राइटर का ये कहना है कि ज्यादा इफेक्ट तो देखो पड़ने वाला नहीं है, इंडिया इस चीज को आराम से एक तरीके से कवर है वो कर सकता है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यहाँ पे की जा रही है। देखो इंडियन वैल्यू तो कम हुई है, इसके साथ राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस रेट, थोड़ा डिसेंटेंस आप ध्यान से सुनना, कि जिस रेट से यूएसए डॉलर की रेट के मुकाबले टर्की की जो करेंसी है लीरा वो कम हुई ना, उस रेट से इंडिया की करेंसी कम नहीं हुई है। मतलब इंडिया की करेंसी जो रूपी है इस पे इफेक्ट तो पड़ा है बट बहुत कम इफेक्ट पड़ा है, जितना इफेक्ट यूएसए की जो और कंट्रीज की जो रेट आप बोल सकते हो कि मतलब और कंट्रीज की जो वैल्यू है रुपीज है डॉलर ले लो उन पे जितना इफेक्ट पड़ा है ना उतना इंडिया के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इंडियन रुपीज की वैल्यू बहुत कम ही कम हुई है, तो इससे इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, इफेक्ट बहुत कम पड़ने वाला है इंडिया पे। इसी के साथ इंडिया में जो महंगाई है वो ऑलरेडी कंट्रोल में है। जब लास्ट क्वार्टर की हम बात करें तो इंडिया में महंगाई है वो कम ही हुई थी, बढ़ी नहीं थी, तो इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर इस बार थोड़ी महंगाई बढ़ जाएगी तो ऑल ओवर तो बैलेंस रह गए ना, क्योंकि भाई लास्ट जो क्वार्टर था इसमें हमने डिस्कस भी किया था पहले कि भाई जो हमारे देश में महंगाई है इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कम ही हुई थी जितनी रेट से बढ़नी चाहिए थी उसके मुताबिक, तो इस बार अगर बढ़ जाएगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बट राइटर यहां कहां पे ये कह रहे हैं कि देखो ये अभी हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो दो चीजें आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जब रुपीज की वैल्यू घटती है या बढ़ती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम सबसे पहले केस लेते हैं
यही देख लो कि ये मान लो कि एक डॉलर में 20 चल रहे हैं 60 रुपए, यहां से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एक डॉलर में 60 रुपए हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इंडिया कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने ये मान लो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, तो पहले वो आ रहा था 1 डॉलर का, ठीक है, तो इंडिया को 60 रुपए पेमेंट करने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लो कि वो क्रूड जो 1 डॉलर में हो गए हैं रुपीज, वो हो गए हैं 100, मतलब इंडियन रुपीज है उसके हालत ज्यादा खराब हो गए, तो मतलब क्या हुआ, इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हो गई, तो अब 1 डॉलर में 100 रुपीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें अगर 1 लीटर क्रूड ऑयल खरीदना है तो हमें 100 रुपए देने होंगे, तो इसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे जो इंडिया की रुपीज की वैल्यू है वो नुकसान होगी और हम चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो हमें इंपोर्ट में नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा देना होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि अगर 50 रुपए में 50 रुपए 1 डॉलर के बराबर होते हैं तो क्रूड ऑयल 50 रुपए में 1 लीटर खरीद लेते हैं बेसिकली, बट अगर वही 100 रुपए होगा तो मतलब क्या हुआ कि हमें डबल पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके 1 डॉलर हमें मिलेगा और वो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो ही अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी कंट्री की, आप ये समझ लो कि जो भी करेंसी अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो उस कंट्री पे जो इम्पोर्ट है या बोल सकते हो कि आयात है वो महंगा हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के नजरिए से, ये मान लो कि फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 डॉलर में 50 रुपए का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, अगर 1 डॉलर में 50 रुपए है उस कंडीशन में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, हम कोई चीज 50 रुपए की चीज बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 1 डॉलर मिलेगा और उसके बदले 50 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए, अगर 1 डॉलर में 100 रुपए हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वही चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें 100 रुपए मिलने वाले हैं, मतलब क्या हुआ कि इंडिया के लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इंडिया के लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो इसी से काफी बेनिफिट होगा ना। अब ये मान लो कि कोई पर्सन है वो यूएसए रह रहा है, उसकी सैलरी 100 डॉलर है, ठीक है, 100 डॉलर में पहले तो उसको मिल रहे थे सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से, तो कितने हुए 50 रुपए के हिसाब देख लो, 5,000 रुपए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, 5,000 रुपए उसको मिले, बट वहीं पे अगर ये मान लो कि सीधे ही 100 रुपए हो जाते हैं 1 डॉलर में तो उसको कितने रुपए मिलेंगे इंडिया के नजरिए से, तो उसको ऑब्वियसली 10,000 रुपए मिलेंगे, तो उसको तो बेनिफिट होगा ना। तो मतलब एक्सपोर्ट की चीजों में बेनिफिट होता है, जो ही रुपये की वैल्यू डाउन है वो होती है। तो राइटर का कहना है कि देखो अभी इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हुई है ना, इसका मतलब हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हमें एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहिए और एक्सपोर्ट के थ्रू में फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट की, नेगेटिव इफेक्ट पे यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो एक तो इंडिया है वो एनर्जी सेक्टर के लिए आपको पता है ऑयल पे डिपेंड रहता है, क्रूड ऑयल पे, तो वो महंगा होगा, तो इसलिए इंडिया को थोड़ी दिक्कत है वो आने वाली है, मतलब फॉरेक्स जो थोड़ा खाली हो जाएगा। इसके बाद में करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि देखो कुछ चीजें इंडिया को इंपोर्ट करनी होती है, आपको पता है कि इंडिया गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो वो बेसिक चीजें हैं वो तो इंडिया को इंपोर्ट करनी ही पड़ती हैं, तो इस कंडीशन में अगर आयात महंगा होगा तो अब नुकसान तो होगा ना कि फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाएगा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। इसके साथ ही महंगाई है वो भी बढ़ेगी। और इसके बाद में बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की, देखो टूरिज्म सेक्टर है, अगर इंडिया के लोग बाहर जाएंगे टूरिज्म के नजर से तो उनको नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि उनको बहुत सारा इंडियन रुपीज पे करना होगा तब उनको डॉलर मिलेगा, तो इसलिए उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और वहीं अगर फॉरेन के टूरिस्ट इंडिया में आएंगे तो उनको फायदा होगा, क्योंकि उनको बहुत सस्ते में इंडिया विजिट करने में मिल जाएगा, वो एक तरीके से 1,000 डॉलर में आराम से इंडिया विजिट कर लेंगे, बट इंडिया वालों को बहुत पैसा देके बाहर जाना होगा, तो इंडिया के लोगों को इससे नुकसान होने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं कि देखो आरबीआई है, उसको स्टेप उठाने होंगे, आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस तरीके से बैलेंस कर लेकर चलनी होगी ताकि इसका इफेक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी पे ना पड़े। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे इस आर्टिकल में, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप पॉइंट्स के तौर पर नोट डाउन है वो कर सकते हो, काफी हेल्पफुल एग्जाम में होने वाले हैं, काफी अच्छा ये आर्टिकल है, तो प्लीज आप इसको एक बार थोड़ा वापस भी पढ़ लेना। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है तालिबान के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार थोड़ा बता दूं, देखो आप इस तरीके से एग्जाम में जब भी आप आंसर राइटिंग करो ना, तो आप अगर आप इस तरीके से थोड़ा मतलब मैप वगैरह बनाओगे तो आपको काफी बेनिफिट इस चीज का मिलने वाला है, ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है इस चीजों में, बस जल्दी से आप रफली डायग्राम बना दो तो काफी इससे आपको मैपिंग से काफी चीजों को नॉलेज है वो मतलब बेनिफिट है वो हो जाता है। तो बात करें हम अफगानिस्तान की, तो एक तरह से मोटा मोटा मैंने अफगानिस्तान का मैप बनाया। अब देखो अफगानिस्तान के मैप की बात करें तो यहाँ पे काबुल है जो उसकी कैपिटल है, और काबुल के जस्ट साउथ में आती है गजनी के जो सिटी है यहाँ की, और गजनी सिटी पे अभी तालिबान के कुछ लड़ाके हैं, इंसर्जेंट हैं, आप बोल सकते हो कि मिलिटेंट हैं, उन्होंने अटैक कर दिया लगभग 1,000 के आसपास, और उन्होंने कोशिश की कि भाई गजनी को हम हड़प लें, गजनी पे अपना अधिकार है वो जमा लें। इसके बाद में बात करें साउथर्न जो अफगानिस्तान, देखो साउथर्न अफगानिस्तान के जो एरिया है ना, ये आपको पता है बेसिकली पाकिस्तान के ज्यादा टच में है, और यहाँ पे पास में आ जाता है फिर ईरान वाला एरिया, तो इसलिए इस वाले एरिया में बेसिकली तालिबान का मतलब दबदबा रहता है। तो यहाँ वाला जो साउथ अफगानिस्तान का एरिया है ना, इसमें तालिबान का ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है, मतलब यहाँ पे तालिबान की सत्ता ऑलरेडी अधिकार में, तालिबान के पास पावर है वो है। अब
देखो काबुल से जो साउथर्न तालिबान है, सॉरी साउथर्न अफगानिस्तान है, यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए जो हाईवे है वो गजनी से होके गुजरता है। अगर आप जानते हो कि गजनी पे अधिकार हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि काबुल की जो कनेक्टिविटी है साउथर्न अफगानिस्तान से वो बंद हो जाएगी और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करने पड़ना पड़ सकता है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि तालिबान की देखो जो पावर है वो कुछ टाइम से लगातार अफगानिस्तान में बढ़ती जा रही है। एक डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो तालिबान ने लगभग अफगानिस्तान में 44% एरिया को कवर कर रखा है। खैर वो अलग बात है कि तालिबान ने कोई मेजर सिटी को कवर नहीं कर रखा है, मतलब कोई बहुत बड़ी सिटी के पे अधिकार नहीं कर रखा है। उन्होंने जो रूरल एरिया है उस पर अधिकार कर रखा है, छोटे छोटे एरिया है उन पर फोकस कर रखा है। और वो कर क्या रहे हैं कि आसपास के एरिया से टैक्स वगैरह वसूलते हैं या इसके साथ अफीम की खेती के थ्रू पैसा है वो वसूलते हैं। अब आप एक चीज जानते हो कि अगर इस वाले जो आपको बता दूं कि ये जो एरिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान और यहाँ पे ईरान वाला, इस वाले एरिया में क्या है कि अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसको गोल्डन क्रिसेंट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जो अफीम की खेती होती है उससे दिक्कत ये आती है कि फिर वो पंजाब में इंडिया में स्मगलिंग की जाती है या पंजाब में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है, जिससे इंडिया में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। तो कुल मिला के यहाँ पे रेटर का एक पॉइंट ये कहना है कि देखो अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आती है तो इस कंडीशन में वहां पर अफीम की खेती और बढ़ेगी, क्योंकि तालिबान तो अफीम के थ्रू पैसा कमाते हैं और वो ही खेती अगर बढ़ी तो इंडिया में ड्रग्स की समस्या बढ़ सकती है। एक तो ये भी इफेक्ट यहाँ पे बढ़ने वाला है। इसके साथ ही और बात हम करें कि अभी जो अटैक हुआ था गजनी में, तो वहां पे जो अफगानिस्तान की आर्मी है ना उसने कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया, मतलब उन्होंने केवल और केवल जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी उनको बचाने की कोशिश की, जो आम जनता है आम लोगों के घर है उनकी उधर कोई फोकस नहीं किया, मतलब उनके पास इतनी तैयारी नहीं थी, उन्होंने ढंग से प्लान ही नहीं कर रखा था, जबकि उनके पास पहले ही संकेत आ चुके थे कि तालिबान है वो कोई ना कोई हमला वगैरह करने वाला है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि यूएसए है, उसने भी कोई ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया, खैर हवाई फायर वगैरह किए हैं बट कुछ खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। अब देखो हम ये जानते हैं कि इफेक्ट और इश्यू की तरफ जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमें आंसर राइटिंग में। इफेक्ट की बात देखो यह है कि अभी आपको रिसेंटली साहब हमने पहले एक बार डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में कि तालिबान है वो एक्चुअली तालिबान के साथ यूएसए ने कहा था कि भाई हम बातचीत करेंगे और जो भी नेगोशिएशन के थ्रू उचित सोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो तालिबान और यूएसए के बीच में अभी दोहा में बातचीत वो चली रही थी। इसी बीच तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने सोचा कि यार कोई भी एग्रीमेंट साइन हो इससे पहले अच्छा है कि हम जितना एरिया कवर कर सकते हैं कैप्चर कर सकते हैं उतना एरिया कैप्चर कर ले अफगानिस्तान में, ताकि हमारी वैल्यू ज्यादा रहे और हम नेगोशिएशन ज्यादा करवा सकें। क्योंकि देखो अगर जितना ज्यादा एरिया तालिबान के पास होगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा नेगोशिएशन करवाएगा, मतलब उसकी ज्यादा बातों को माना जाएगा। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान ने ऐसा किया है ताकि बातचीत के दौरान उसकी वैल्यू या उसका दबदबा वो बना रहे सके एग्रीमेंट से पहले पहले। और इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो इंडिया का लॉस ही होगा, क्यों आपको पता कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है उस तालिबान के साथ इंडिया की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तालिबान के साथ इंडिया का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि जो काबुल में विमान अपहरण हुआ था इंडिया का वहीं पे हुआ था, तो उसी दौरान तालिबान का ही उसमें डायरेक्टली रोल था, इसलिए इंडिया तालिबान को लेके बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकता। बट अगर वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आती है तो इंडिया का लगभग 2 बिलियन से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी अशांति चल रही है उस माहौल में पाकिस्तान आग में घी डाल सकता है। मतलब पाकिस्तान क्या करेगा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है तो उन तालिबान को एक मिलिटेंट्स को कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में अशांति के लिए भेज सकता है और उससे हमारे देश में इंटरनल हालात हैं वो ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के इशू में इसका यूज है वो कर सकता है। इसके साथ ही जो जारंग दिलाराम हाईवे पे जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था वो भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब तालिबान की सत्ता ही वहां पर आ जाएगी तो तालिबान तो अपनी मनमर्जी करेगा, तो उससे इंडिया के सोफॉर को भी नुकसान होगा और अफीम की खेती वगैरह बढ़ेगी तो इंडिया को और ज्यादा नुकसान इससे होने वाला, क्योंकि ड्रग्स की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। इसके बाद में देखो है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में देखो एक लाइन है बहुत अच्छी है, आप इसका यूज है वो कर सकते हो। तो आपको पहले वो लाइन ही बता देता हूँ। कुछ लाइन इस प्रकार है कि देखो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर बिल्डअप करना है आगे बढ़ाना है तो उस कंट्री के जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। बात की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कि देखो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन हमें बढ़ाने हैं तो कुछ हद तक पॉलिटिकल रीजन भी जिम्मेदार है। मतलब अगर इकोनॉमी को हमें आगे डेवलप करना है तो उसका रास्ता पॉलिटिकल रास्ते से होके जाता है। जब पॉलिटिकल तरीके से शांति होगी तो इकोनॉमिक रिलेशन अपने आप और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसी बात को लेकर राइटर यहाँ पे काफी से पॉइंट्स हैं वो लेके आ रहे हैं। देखो पहले राइटर थोड़ी व्यक्ति से बैकग्राउंड बता रहे हैं कि अभी इमरान खान की गवर्नमेंट है वो सत्ता में आई और उन्होंने कहा कि देखो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इंडिया के साथ रिलेशन को इम्प्रूव है वो किया जा सके। मतलब अफगान जो इमरान खान है उनकी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इंडिकेशन या कुछ अच्छे संकेत हैं वो दिए हैं।
फिर यहाँ पे राइटर थोड़ा डाटा दे रहे हैं कि देखो 2013-14 के टाइम पे देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड था वो था 2.7 बिलियन, और वहीं पे बात करें हम 2017-18 में तो वो घट के रह गया 2.4 या 2.4 बिलियन डॉलर का। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डायरेक्ट ट्रेड है वो बहुत कम हो गया, अभी पिछले जो लास्ट टाइम की देखा जाए तो हर साल कम ही होता जा रहा है, बेसिकली लगातार कम नहीं हो रहा, हर साल कुछ साल बढ़ता है कुछ साल कम हो रहा है, बट बेसिकली राइटर ने 2013-14 और 2017-18 की ईयर को काउंट यहाँ पे किया है। फिर भी राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया का जो ट्रेड है, खैर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इंडिया का ट्रेड पाकिस्तान के साथ सरप्लस है, मतलब इंडिया पाकिस्तान को ज्यादा चीजें बेचता है और इंडिया पाकिस्तान से कम चीजें इम्पोर्ट है वो कर रहा है। बट एक कमाल की और एक आश्चर्यजनक बात कुछ इस प्रकार है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इनडायरेक्ट ट्रेड है ना वो 10 गुना ज्यादा है, मतलब इनडायरेक्ट ट्रेड है वो डायरेक्ट से 10 गुना ज्यादा है। जैसे डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पे 3 बिलियन दे रखा है ना, तो वो अभी देखा जाए तो इनडायरेक्ट ट्रेड है वो 30 बिलियन से भी ज्यादा हो रखा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखो इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब ये है कि जैसे इंडिया ने कोई चीज है वो पहले यूएसए में भेज दी, फिर यूएसए के थ्रू वो पाकिस्तान में जा रही है, या फिर इंडिया ने कोई चीज है वो ईरान में भेज दी, या फिर इंडिया ने कोई चीज है वो दुबई वगैरह भेज दी, यूएई वगैरह, और वहां से पाकिस्तान है वो इम्पोर्ट कर रहा है, या फिर पाकिस्तान कोई चीज है वो दुबई भेजता है और उसके बाद इंडिया उसको इम्पोर्ट करता है। मतलब क्या है कि वो चीज दोनों ही कंट्री को महंगी मिलती है, डायरेक्टली अगर दोनों कंट्री में उसी चीज का ट्रेड हो तो सस्ता हो सकता है। तो उन चीज को लेकर यहाँ पे राइटर है वो अपने कंसर्न है अपने इश्यूज है वो जता रहे हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, इनका हमें सॉल्यूशन है वो लेके आना होगा। अब हम थोड़ा देखते हैं कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, उनकी तरफ हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बात कुछ इस प्रकार की है कि तो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, इसमें दोनों ही कंट्री के पास बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल, जो कपड़ों की कॉटन के, उनकी डिमांड पाकिस्तान के कराची में होती है, और पाकिस्तान के बने हुए जो कपड़े हैं शेरवानी वगैरह शादी के, उनकी डिमांड इंडिया में होती है। मतलब अगर दोनों ही कंट्री डायरेक्टली ट्रेड करती है तो इसका बेनिफिट दोनों कंट्री को होगा और जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी बढ़ेंगे। इसके बाद में बात आती है स्पोर्ट्स गुड की, जो स्पोर्ट्स के लिए जो चीजें बनती हैं फुटबॉल वगैरह बैट वगैरह बॉल जैसे हुए बैडमिंटन की वगैरह, ये चीजें एक्चुअली पाकिस्तान में एक सियालकोट नाम की सिटी है वहां पे बनती हैं, और सियालकोट स्पोर्ट्स गुड्स के लिए बहुत फेमस है और मैक्सिमम जो चीजें हैं वो वहीं से स्पोर्ट्स के लिए बनती हैं क्वालिटी वाली। और वो आपको पता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स को लगातार डेवलप किया जा रहा है, तो मतलब अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे रहते हैं तो स्पोर्ट्स के सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ चल सकते हैं। और एक कमाल की बात क्या है, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है जैसे कि लेदर वगैरह हुआ, या फिर इसके अलावा और भी जो चीजें होती हैं बैट वगैरह की लकड़ी वगैरह, वो एक्चुअली इंडिया में प्रोड्यूस है वो होती है। तो भी तो रिसेंटली तो देखा जाए तो पाकिस्तान क्या करता है, उनको दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करता है, तो अगर वहीं इंडिया से अगर पाकिस्तान इम्पोर्ट करेगा तो उसको सस्ती भी मिलेंगी और चीजें अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, तो इंडिया को भी इंडिया को तो आप बोलोगे तो पक्का सामान मिल जाएगा और पाकिस्तान को रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो दोनों ही कंट्री को इससे फायदा होने वाला है। इसके साथ ही बात की जा रही है कि हेल्थ सेक्टर में, देखो आपको पता है कि इंडिया है वो हेल्थ टूरिज्म के सेक्टर से बहुत फेमस है, इंडिया में हेल्थ टूरिज्म के लिए बहुत से लोग हैं वो आते हैं, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं मेलकम जो हार्ट वगैरह के लिए जो एक तरीके से काफी सारी चीजें यूज है वो की जाती हैं ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि और भी जो रोड वगैरह होती हैं लेग्स वगैरह में लगाने के लिए उनका यूज है वो किया जाता है, और वो चीजें इंडिया एक्चुअली पाकिस्तान से इम्पोर्ट है वो करता है, क्योंकि जो पाकिस्तान का सियालकोट जो एरिया है यहाँ पे जो हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ट्रांसप्लांट वगैरह करवाने के लिए जो चीजें होती हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यहाँ पे काफी अच्छे प्रोड्यूस है वो किए जाते हैं, और इवन जो यूएसए जैसी कंट्रीज हैं डेवलप कंट्री हैं वो भी पाकिस्तान से इन चीजों को इम्पोर्ट है वो करती हैं। और कमाल की बात क्या है, पहले तो यूएसए है वो पाकिस्तान से इन चीजों को इम्पोर्ट करता है, इसके बाद इंडिया वो यूएसए से इम्पोर्ट करता है, तो इंडिया को वो चीज बहुत महंगी मिलती है। अगर दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छे हों इंडिया और पाकिस्तान में तो क्या होगा, डायरेक्टली पाकिस्तान से चीजें इंडिया में इंपोर्ट हो जाएंगी, तो इंडिया के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स वाली चीजें वो सस्ती मिलेंगी, तो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है हेल्थ को लेकर वो और ज्यादा अच्छा है सामने आएगा। इसके बाद में लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं वे फोर्ड की तरफ कि देखो भाई बात ऐसी है कि हमें एक वैल्यू चेन है वो क्रिएट करनी होगी, हमें जो ट्रेड बॉडीज हैं इनके बीच में रिलेशन है वो इम्प्रूव करने होंगे दोनों ही कंट्रीज के बीच, और एक ट्रेड रिलेशन को बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें बिजनेस चैम्बर तैयार करने होंगे और उन बिजनेस चैम्बर के बीच में आपस में बातचीत करवानी होगी, एक रास्ता रखना होगा ताकि दोनों एक दूसरे की डिमांड के मुताबिक काम हो कर सकें, जिससे टाइज भी बढ़ेंगे और दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशन के साथ साथ और भी बेनिफिट इनको होने वाले हैं। बिजनेस वीजा के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसा कि सार्क के बात में सार्क की जो मीटिंग हुई थी उसमें बात भी की गई थी कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच बिजनेस वीजा है उसको लेकर ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए ताकि इजिली बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, बट वो चीजें कागजों में दबी रह गई तो उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट में राइटर यही कह रहे हैं कि देखो भाई जो पॉलिटिकल है या वो जो राजनीति है उसका अहम रोल होता है, तो इसलिए राजनीति को इस चीज में थोड़ा मतलब ढंग से काम करना चाहिए ताकि इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ हो कर सके, विदाउट पॉलिटिक्स वो इकोनॉमी काम नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं
अगर इकोनॉमी को हमें ट्रैक पे लाना है तो हमें पॉलिटिकल रिलेशन को भी इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। पीडीएफ है वो नीचे आप डिस्कशन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ ही जो वेलकम यूपीएससी का पेज है या वेलकम यूपीएससी का ग्रुप है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वेलकम यूपीएससी की वेबसाइट है, वहां से भी आप इन सारी चीजों को डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।